आप बताइए। ये दो मदर्स की स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि एक माँ जिसके पास सब कुछ है और वो अपने बच्चे को कैसे रेज कर रही है, और एक जो माँ गरीब है वो अपने बच्चे को कैसे रेज कर रही है। दूसरा एक ये स्टोरी है जिसमें हम दिखाते कि किसी के पास सब कुछ भी है, सब कुछ है, फिर भी वो अकेला है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो कंप्लीट है। तो ये उसके ऊपर स्टोरी है, सारे रिलेशंस के ऊपर स्टोरी है। सी जितनी भी उन दो माओं के जो भी उनके आसपास रिलेशंस हैं, उनके हस्बैंड्स के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके घर वालों के साथ, ये कहानी उस बारे में है। उस हर एक का एक एक ट्रैक चल रहा है, हर एक के रिलेशंस के साथ, उन सब के इंडिविजुअल रैपोर्स जो हैं अपने पति लेट्स से इनके पति के साथ, मेरे साथ या बच्ची के साथ, मेरी मदर के साथ जो इनकी सास हो गई, या बहन के साथ, वो सब पैरेलली चल रहे हैं और ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसे बेसिकली हम लोग संजोग कह रहे हैं। और संजोग डेफिनेटली दो ऐसी बच्चियों की कहानी है, जो ऐसी मदर्स की कहानी है, जो इवेंचुअली मतलब मिल भी जाते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं ऑब्वियसली इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। ऐसी स्टोरी आई है पहले, ओके। तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो बच्चों का अदल बदल भी है, वो तो मैं भी नहीं बताऊंगी क्या है, अदल बदल है या क्या है। तो ये है कि जब बेबी एक पेट में होता है एक माँ के, वो उसको फील कर सकती है, और जब वो बच्चा बाहर भी आता है वो रिलेट कर पाती है उस बच्चे से। तो ऐसा क्या है जो माँ कह रही है कि है तो मेरी पर मेरे जैसी नहीं है, तो ये उस पर स्टोरी है। तो ये आई थिंक सो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं होता कि शायद फादर पे हो या नहीं? मतलब माँ पे नहीं है तो फादर पे तो हो ही सकती है ना। जी सो रिलेट मैं कर पा रही हूँ इजीली, बट जो चैलेंज है वो है कि अभी तक मैं मदर नहीं बनी हूँ, तो डीलिंग विद अ चाइल्ड, एक माँ बेटी का जो रिलेशन होता है उसकी स्ट्रगल मेरी अभी चल रही है, और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ उस चीज़ में। श्योर, मेरे लिए आई एम ऑलरेडी अ फादर, आई हैव अ डॉटर, तो आई कैन रिलेट टू, मतलब मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि कैसे एक बच्ची के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसके साथ खेलना है, क्या बातें करनी है, यू नो हाउ टू डू ऑल दैट। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं राजीव के अंदर, जो मेरा किरदार है उसके अंदर, जो रजनीश में नहीं है, एंड वो चीज़ें उस पर काफ़ी होमवर्क भी किया गया है, उस पर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल शोज़ या कुछ स्पेशल फिल्में ऐसी हैं जो मैंने देखी जिसके अंदर वैसे किरदार हैं, एंड उनको मैंने इम्बाइब किया है अपने अंदर, ताकि मैं राजीव अच्छे से प्ले कर पाऊँ और आप लोगों के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन सके। इतने दिन शूटिंग के बाद आई थिंक सो मैंने पहली बार TRP वर्ड सुना है आपसे, वरना हम लोग बिल्कुल भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का काम है अपने काम पे फोकस करना, अच्छे से करना जो हम कर रहे हैं। सी आई थिंक जैसा पहले काम्या ने बोला कि कहानी इतनी अच्छी तरह लिखी गई है, देर आर सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ड्रामा जो अभी तक कहानी के अंदर आ रहा है, कि उस हिसाब से हमें आई डोंट थिंक कि हमें एट द मोमेंट TRP की देखने की ज़रूरत है। बट येस, हम लोग 10 o'clock आ रहे हैं, हम लोग ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जहाँ पे कोविड के बाद एक नया प्राइम टाइम बन गया है, वो तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा ही करेगा। ओके, थैंक यू।